क्वेश्चन नंबर फोर है ना, देखे देखे ये तार ना कुछ मिल जाए, मेरा लैपटॉप भी लेगा बेटे, देख के बैठिएगा जरा। ऐसा ना कि लैपटॉप ही गिर जाए। अच्छा अभी काम करें, वो पीछे वाली लाइट्स बंद कर दीजिएगा, उसके रिफ्लेक्शन आता है, वो पीछे वाली दो लाइट्स बस ठीक। अच्छा जी, तो एक रीकैप है, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम पढ़ा था, मेजर ऑफ सेंटर पढ़ा था, ठीक हो गया जी, मेजर ऑफ सेंटर पढ़ा था, और मेजर ऑफ सेंटर हमने पढ़ा था कि तीन होते हैं और एक होता है मीन। ये बड़े फेमस हैं, ये मतलब स्टैटिस्टिक्स के में बहुत ही फेमस मेजर्स ऑफ सेंटर हैं, मीन, मीडियन और मॉड, ये तीनों बहुत फेमस मेजर्स हैं। ये मीन, मीडियन और मॉड तीनों बहुत फेमस मेजर्स हैं। ये सेंटर के बारे में बताते हैं, ये मैं सेंटर के बारे में बताते हैं, मेजर्स ऑफ सेंटर हैं ये। अच्छा, हमारे पास मेजर ऑफ सेंटर मीन हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, और मीन होता है एक्स बार, और हमने एक समेशन का साइन पढ़ा था फ्रॉम वन टू एन एक्स आई डिवाइडेड बाय स्मॉल एन, जबकि एन हमारे सैंपल में, हमारे सैंपल में नंबर ऑफ मेजरमेंट्स हैं, और ये स्मॉल एन हमें क्या बताता है कि ये हम किसके लिए कंप्यूट कर रहे हैं, सैंपल के लिए, और ये एक्स बार भी यही बताता है कि ये सैंपल के लिए है। इसके अलावा हमने एक चीज और पढ़ी थी, वो ये था एक्स बार वर्सेस म्यू, ये भी मैंने पढ़ाया था, एक्स बार वर्सेस म्यू, म्यू किसके लिए, म्यू भी एक मीन का ही पैरामीटर है, लेकिन ये पॉपुलेशन के लिए यूज करते हैं। अगर आपके पास ऑल पॉसिबल मेजरमेंट्स हैं तो अगर आप उनके ऊपर यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या फॉर्मूला होगा मीन का, आई फ्रॉम वन टू कैपिटल एन एक्स आई डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, ये कैपिटल एन ये शो कर रहा है कि आप ऑल पॉसिबल मेजरमेंट्स इन योर पॉपुलेशन वो आपके पास आ गई हैं, आप ये उनके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो इन इन इस म्यू बार को, म्यू को हम क्या कहते हैं, ये पैरामीटर है, क्योंकि ये चेंज नहीं होता, जो पॉपुलेशन के मेजर्स हैं वो पैरामीटर्स हैं, और जो सैंपल के हैं वो क्या हैं, वो स्टैटिस्टिक्स हैं। ये मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये एक ये स्टैटिस्ट, क्योंकि ये वेरिएबल होता है, ये स्टैटिस्टिक्स हैं। क्यों कहते हैं इनको, ये पॉपुलेशन का ये पैरामीटर है, ये स्टैटिस्टिक है, और ये किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, ये सैंपल के लिए। स्टैटिस्टिक क्यों कहते हैं, स्टैटिस्टिक का मतलब ऐसी क्वांटिटी वो चेंज हो रही है, वेरी हो रही हो, ये क्यों वेरी हो रही होती है, क्योंकि हम एक बड़ी पॉपुलेशन में से, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम एक बड़ी पॉपुलेशन में से काफ़ी सारे सैंपल्स ले सकते हैं। अगर इस पॉपुलेशन के अंदर 0, 1, 2 और 3 तक के नंबर्स हैं, ठीक है, 4 है 5 है, सो 9 तक के नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन वो सब 0 से लेकर 9 तक ही हैं, तो अगर मैं ये एक सैंपल लेता हूँ जिसका जिसके अंदर 3 मेजरमेंट्स हैं, तो हो सकता है मेरे पास ये आ जाए 8, 1 और 3, ठीक है, इसका मीन होगा 12/3, 4, हो सकता है मेरे पास एक आ जाए 1, 3, 4, 8/4, 2, इसका मीन डिफरेंट हो गया, इसका मीन डिफरेंट हो गया, इसका मीन डिफरेंट हो गया। तो मीन कैसे चेंज हो रहे होते हैं, फ्रॉम सैंपल टू सैंपल, सैंपल मीन चेंज हो रहे होते हैं फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। आप एक पॉपुलेशन में से एक सैंपल तो ड्रॉ नहीं करते ना, आप क्या करते हैं, आप बहुत सारे सैंपल्स ड्रॉ कर सकते हैं, पॉपुलेशन में से बहुत सारे सैंपल्स ड्रॉ कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, छोटे छोटे बहुत सारे सैंपल्स ड्रॉ कर सकते हैं। जब सैंपल ड्रॉ करते हैं, जब हम सैंपल ड्रॉ करते हैं, तो हर सैंपल का मीन, यानी इस सैंपल का मीन एक्स बार, इस सैंपल के मीन एक्स बार से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, ये पैरामीटर नहीं है बल्कि स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक पैरामीटर वो होता है जो कांस्टेंट होता है, स्टैटिस्टिक वो है, स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में
जो तब्दील हो रहा है, चेंज हो रहा है फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। ये था रीकैप, रीकैप ऑफ आवर लास्ट लेक्चर। तो आज हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं मीडियन और मॉड और कुछ और भी कुछ। तो मीडियन पढ़ना है, मुझसे पूछ ले, कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ ले, सैंपल टू सैंपल चेंज हो रहा है ना, इसका मीन कंप्यूट करेंगे कुछ और है, इसका मीन कंप्यूट करेंगे कुछ और है, फिर आपको ये नंबर मिल जाता है, ये सैंपल मिल जाता है, इसका मीन कंप्यूट करेंगे तो कुछ और है। तो मीन टू मीन ये चेंज हो रहा होता है, सॉरी सैंपल टू सैंपल मीन चेंज हो रहा है, इसलिए सैंपल मीन एक स्टैटिस्टिक है, एक चेंजिंग क्वांटिटी है, पैरामीटर नहीं है। और इसका फॉर्मूला वही है जो पॉपुलेशन के मीन का है, एक्सेप्ट कि ये फॉर्मूला हम अब एक स्मॉलर ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स के ऊपर अप्लाई करें। एक्सेप्ट के हम अब यही कैलकुलेशन या यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एक स्मॉलर सेट ऑफ मेजरमेंट्स के ऊपर, यहां पर एक लार्जर सेट ऑफ मेजरमेंट्स, ठीक है। तो ये फर्क है दोनों। इसके अलावा हमने पढ़ा था मीडियन, जी जनाब, स्मॉल एन और कैपिटल एन, नंबर ऑफ मेजरमेंट्स मैंने ये बताया था कि नंबर ऑफ मेजरमेंट्स जो पॉपुलेशन के अंदर हैं, जो कि बहुत ज्यादा हैं और ऑल पॉसिबल सेट ऑफ मेजरमेंट्स हैं, वो कैपिटल एन है। और नंबर ऑफ मेजरमेंट्स जो आप इस स्मॉल सैंपल में ले लेते हैं, हर स्मॉल सैंपल के में आप वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, वो स्मॉल एन है। स्मॉल एन मतलब छोटी, कम ऑब्जर्वेशन, कम मेजरमेंट्स, लेस नंबर ऑफ मेजरमेंट्स जो कि सैंपल की है, सैंपल की मेजरमेंट्स। और कोई क्वेश्चन? टाइम हो गया हमारा, है ना, 9:40 हो गया। तो 9:40 से पहले हमने अभी तक सिर्फ रीकैप पढ़ी है, ये शुक्र है अभी तक हमारा यूट्यूब लाइव कनेक्टेड है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब यूट्यूब लाइव कनेक्टेड रहता है, क्यों खुशी होती है? स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेते हैं, और किस बात की खुशी होती है? अपलोड नहीं करना पड़ता, ये मुझे समझ गई है। मुझे अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर लाइव सेशन लूँ तो फिर मुझे माइक्रोसॉफ्ट टीम से पहले वीडियो डाउनलोड करनी पड़ती है, फिर यूट्यूब पर अपलोड करनी पड़ती है, तो वो मेरा सारा दिन लग जाता है उसमें। अगर यूट्यूब लाइव चलता रहे ना, मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि ये खुद ही वहाँ पर अपलोड हो जाती है, मुझे नहीं करनी पड़ती। अच्छा जी, तो मीडियन मिडल ऑफ द सॉर्टेड एरे है आपके पास, आप मीडियन अप्लाई करते हैं। हम जो भी, हम मोस्टली जो हम कैलकुलेशंस पढ़ेंगे इसमें, या मोस्ट ऑफ टाइम्स हम रियल वर्ल्ड में जो कैलकुलेशंस अप्लाई करते हैं, वो हम सैंपल के ऊपर करते हैं। मैंने बताया था सैंपल क्यों करते हैं, सैंपल के ऊपर, और सैंपल हमें अवेलेबल भी होता है, सैंपल हमें अवेलेबल भी होता है, लेकिन जो पॉपुलेशन है उसके लिए हर पॉपुलेशन की हर मेजरमेंट हमें अवेलेबल नहीं होती, या बहुत मुश्किल होता है उसको एक्सेस करना, बहुत मुश्किल होता है। तो हम सैंपल के ऊपर कैलकुलेशंस करते हैं, और उन कैलकुलेशंस को सैंपल के ऊपर कैलकुलेशंस करते हैं, और उन कैलकुलेशंस को से हम एस्टिमेट करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, किसका, पॉपुलेशन के पैरामीटर्स का, यानी सैंपल का मीन कंप्यूट करते हैं और उसे एस्टिमेट करते हैं कि पॉपुलेशन का मीन ये होगा। एग्जाम्पल के मीन, पॉपुलेशन के मीन का बहुत अच्छा इंडिकेटर हो सकता है अगर वो सैंपल रैंडम हो, रैंडमली सिलेक्टेड हो। जैसे मैंने बताया था कि अगर हम सारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की एजेस कैलकुलेट करें, तो अगर हम पूरे पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी से तो हम नहीं ले सकते, लेकिन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से रैंडमली सिलेक्ट कर सकें, कुछ केपीके की हों, कुछ पंजाब की हों, कुछ बलोचिस्तान की, कुछ सिंध की यूनिवर्सिटीज से, कुछ रूरल हों, और अपना कुछ शहरों में हों, तो हम जब उनसे सैंपल्स ले, उनसे एक रैंडम सैंपल कलेक्ट करके जो एज कंप्यूट करेंगे, वो पॉपुलेशन की एज के, यानी सारे स्टूडेंट्स की मीन एज के सैंपल, मीन एज के बहुत करीब होगी, ठीक है। तो एक रैंडम सैंपल का मीन पॉपुलेशन के मीन का अच्छा इंडिकेटर होता है, उसको
एस्टिमेट करने के लिए इस्तेमाल करता है, उसका एक अच्छा एस्टिमेटर होता है। हम एस्टिमेटर्स पढ़ेंगे आगे डिटेल में, बायस्ड और अनबायस्ड एस्टिमेटर्स हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, तो मिडिल ऑफ द सॉर्टेड एरे, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, हम में से मोस्टली बंदे इसको भी जानते हैं। मीडियन क्या चीज़ होती है? आपके पास एक गिवन सैंपल है, आप उसको अरेंज कर लेते हैं। जैसे आपके पास 2, 9, 11, 5 और 6, ये एग्जांपल मैंने इसलिए दी क्योंकि मैंने नोट्स में लिखी हुई है, आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। ये आपके पास एक सैंपल है, इस सैंपल का नाम है एक्स, इस सैंपल के अंदर x1, x2, x3, x4, x5। तो पहला काम क्या होता है, आप इनको सॉर्ट करते हैं, सॉर्ट अरेंज करते हैं, सॉर्टेड। आप इनको अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, आप लिख लेते हैं 2, 5, 6, 9, 11। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप कहते हैं द मिडिल वैल्यू ऑफ दिस सॉर्टेड एरे सैंपल एरे इज 6। तो इसका मीडियन क्या हो गया, मीडियन हो गया 6। ठीक है, और ये तो मीडियन की वैल्यू होगी, इसकी पोजीशन भी होगी, किस पोजीशन पर है ये पोजीशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5। पोजीशन समझते हैं ना, ये तो वैल्यूज हैं। हमने हम सब ने कम से कम एक कंप्यूटर लैंग्वेज जरूर पढ़ी हुई है। सर पोजीशन के अंदर सेकंड हाँ, बहुत अच्छी बात की। मैंने कहा कि हमें से हर किसी ने एक कंप्यूटर लैंग्वेज जरूर पढ़ी होगी, वो मेरे दोस्त ने लाके वाकई पढ़ी हुई है कंप्यूटर लैंग्वेज। वो कहते हैं ये पहला इंडेक्स भी जीरो होना चाहिए, दुनिया की बहुत सारी लैंग्वेजेस पहले इंडेक्स को जीरो ही कहती हैं, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पहली वैल्यू को जीरो इंडेक्स ही कहती हैं, लेकिन यार आप इसको वन कह लें। ठीक है, चलें ठीक है, कुछ वन भी कहती हैं, जैसे मैटलैब वन कहती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, पहला इंडेक्स जीरो नहीं होगा, मोस्टली कंप्यूटर लैंग्वेजेस में पहला इंडेक्स जीरो होता है, उसके अपनी रीजंस हैं। मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेजेस में पहला इंडेक्स जीरो होता है, लेकिन यहाँ पर वन है। मैं माजरा चाहता हूँ आपसे, आप जीरो समझ रहे हैं, आप अगर इसको जीरो करना चाहते हैं तो ना करें, आप इसे वन लिखें, क्योंकि फिर हम बुक के साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर सकेंगे, अपने आंसर को मैच नहीं कर सकेंगे, और बुक के साथ हम सिंक होकर नहीं चल सकेंगे। तो ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, और ये फाइव है। तो मीडियन तो 6 हो गया, मीडियन की एक पोजिशन भी तो होगी ना, पोजिशन क्या क्या है, ये पोजिशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये पोजिशंस हैं। तो पोजिशन ऑफ मीडियन क्या हुई, पोजिशन ऑफ मीडियन होती है 0.5 टाइम्स n प्लस 1। ये फॉर्मूला मैंने अपने नोट्स पे लिखा है, और आगे चल के हम क्वार्टाइल्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसके अलावा भी 0.25 n प्लस 1 और 0.75 टाइम्स n प्लस 1 भी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल्स बोलते हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन फिलहाल मीडियन की पोजिशन है 0.5 टाइम्स n प्लस 1। n कितना है इसका, 1, 2, 3, 4, 5, 5 प्लस 1 इज 6, 6 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, 6 बाई 2 क्या हो गया 3। 5 इंटू n प्लस 1 इज जनरल फार्मूला टू कंप्यूट पोजिशन ऑफ द पोजिशन ऑफ मीडियन कंप्यूट करने का जनरल फार्मूला 0.5 n प्लस 1 है। और मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है x at this position, x of 3, 1, 2, 3। ठीक है जी, सर, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5। मीडियन पहले आप पोजिशन कंप्यूट कर लें, मतलब आप पहले पोजीशन कंप्यूट कर लें, मीडियन ऐसे कर लें, अभी आप इसको बोल दें। ठीक है, पोजीशन है मीडियन, पोजीशन ऑफ मीडियन है 0.5 इंटू एन प्लस 1, क्योंकि एन क्या है, एन है टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, नंबर ऑफ मेजरमेंट्स। ठीक हो गया, ये पोजीशन आ गई, मीडियन खुद क्या होगा, ये तो मीडियन की पोजीशन है, तो मीडियन क्या होगा, मीडियन है ये एक्स एरे है, एक्स ऑफ
पोजिशन, पोजिशन है थ्री, एक्स ऑफ थ्री, एक्स ऑफ थ्री क्या है, वन टू थ्री सिक्स, बात समझ आ गई। तो पहले पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको मीडियन कहाँ मिलेगा, एक्स ये रही है, ये इसके ये एक्स ऑफ वन है, ये एक्स ऑफ टू है, मैंने लास्ट टाइम बताया था ये एक्स ऑफ, हाँ जी पहले पोजीशन फाइंड कर लिया जी जी, एक्स मीडियन तो एक्स की वैल्यू ही होगी, मीडियन तो एक्स ही में से कोई एक वैल्यू है, लेकिन लेकिन उसकी पोजीशन है 0.5 इनटू एन प्लस वन, जी जिसके अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी। अच्छा अब एक इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इश्यू हो सकता है, बड़ी 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 एक इंटरेस्टिंग काम हो सकता है कि जैसे आपके पास एक जी देखिए मीडियन जो होता है ना वो तो वन ही होता है, मीडियन तो वन ही है। अब आप आपका पता है क्या क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन ये है कि आपके पास है 2, 9, 11, 5, 6 और फिर मैंने क्या किया था इसके आगे एक नंबर 27 भी ऐड कर दिया। अब क्या हुआ, टोटल एन क्या हो गया, अब टोटल एन हो गया इवन नंबर, इवन नंबर हो गया मतलब 6 हो गया। अब उसको कैसे हैंडल करें, जब आप सेंटर सेंटर तो बनेगा नहीं, पहले रेंज कर लेते हैं 2, 5, 6, 9, 11, 27। अब ये जीआर का क्वेश्चन आ जाता है, जीआर कह रही है कि अब आप बताएं कि पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे, पोजीशन ऑफ मीडियन, हमें क्या है, हमें तो फॉर्मूला दिया हुआ है, हम तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 0.5 n + 1, ठीक है 0.5 times n + 1, n क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये x है, ठीक है x से कह रहे हैं, आप पूछ रहे थे ना x क्या चीज़ है, x से रहे है और n क्या है इसमें, अब n 6 है, 5 नहीं है अब n 6 है, तो आप पुट कर दें 6 + 1, 7, 7 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इज 7/2 मीन्स 3.5, ओह 3.5 तो इंडेक्स होता ही नहीं है, या 3 होता है या 4 होता है, इंडेक्स यहाँ बना लें दूसरे पेन से बना लेते हैं, ये इंडेक्सेस हैं, इसको रेस दें इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये इंडेक्सेस हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, हाँ जी अब 3.5 तो कहीं है ही नहीं इंडेक्स, अब क्या करें, एवरेज ऑफ द टू, 3.5 का मतलब है मिड वे, 3.5 का मतलब होता है मिड वे बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 का आधा, 3 और 4 का सेंटर 3.5 है, ये 3 है ये 4 है। अब ये अजय आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये 3 है ये 4 है, इसका मिडवे क्या होगा, मिडवे बिटवीन 3 और 4, 3 के ऊपर वैल्यू 6 है, 4 के ऊपर 9 है, इसका मिड क्या होगा, मीडियन होगा, मीडियन होगा पोजीशन ऑफ एक्स एट 3.5, और एक्स और 3.5 क्या होगा 6 और 9 का दरमियान मिड 7.5, ठीक हो गया जी जनाब, प्योर क्वेश्चन। तो या तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि अगर आपके पास सैंपल में ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं तो अरेंज करने के बाद मिडिल नंबर मीडियन होगा, और अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं तो अरेंज करने के बाद जो सेंट्रल टू मेजरमेंट्स हैं उन दोनों का मीन, ये मतलब हो गया, इन शॉर्ट इसका ये मतलब हो गया। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि मीन वर्सेस मीडियन इन द प्रेजेंस ऑफ आउटलायर्स, ये मैंने दूसरी क्लास को भी बताई है, आपने शायद उसकी रिकॉर्डिंग सुनी हो,
mean versus median in the presence of outliers. Mean versus median in the presence of outliers. Outliers क्या होते हैं? हाँ, बाकी डेटा से बाहर हो, जैसे यही वाली एग्जांपल, ये पहले के डेटा सेट था 2, 5, 6, 9, 11, फिर हमने इसमें एक 27 ऑब्जर्वेशन भी ऐड कर दी, एक मेजरमेंट 27, लेकिन ये पहले नहीं थी। तो अगर हम इन दोनों का डॉट प्लॉट ना कर देखें, ये आखिरी वाली मेजरमेंट ऐड करने से पहले क्या डॉट प्लॉट था और उसके बाद क्या होगा, उससे पहले था 2, 5, 6, 9, 11, यानी अगर आप यहाँ से जीरो से स्टार्ट करें तो ये 12 है ना, ये 6 है और ये 3 है और ये 9 है, ये 1.5 है, ये 4.5 है, ये 7.5 है, ये 10.5 है, ठीक है जी। तो 2, 5, 6, 9, 11, बस इतने से डेटा सेट को देखते हैं, जरा इसको बाहर करते हैं, ठीक है, इसको हम ऐड करते हैं अभी, 2, 5, 6, 9, 11, तो 2 यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा, 6 यहाँ, 9 यहाँ, 11 यहाँ, ये कुछ डेटा था, ठीक है। उसके बाद अचानक ही हमने एक इसके ऊपर वो ले सकते थे, मैंने स्केल इस तरह का बना दिया था, स्केल तो कैसा भी बना सकते हैं, ले सकते हैं आप, ले वो भी ठीक है जिस तरह आप कह रहे हैं, जिस तरह हमने मैंने असल में पहले यहाँ पर 12 लिखे फिर यहाँ 6 लिख दिया था, अब जब 0 और 6 को अदा किया ना तो 3 हो गया, फिर मैं फंस गया, अब मैं 0 और 3 को अदा करता तो 1.5 ही बनता था, तो ये मेरी गलती है, मैंने यहाँ पर 12 ले लिया, मुझे यहाँ पर 10 लेना चाहिए था या शायद 20 लेना चाहिए था, चले बहरहाल मैंने इसको मैक्स फिट करने की कोशिश की है, कोई बात नहीं, आप स्केल आपकी मर्जी, आप समझ स्केल में वैल्यूज तो आपने ठीक प्लॉट किए ना। उसके बाद आपने 27 एक आपके पास मेजरमेंट आ गई 27, ओहो 27 तो मैं तो फंस गया, अब मैं सही फंसाऊँ, क्योंकि अगर ये 12 है तो ये 24 होगा और फिर उसमें हम 6 ऐड करें तो ये 30 होगा, ओह हो सही फंसा हूँ मैं, ये लो जी यहाँ पर आ गई वैल्यू, ओह हो कहाँ चले गए बाकी सारा डेटा, कहाँ है वो 27 कहाँ है, ये देखो आउटलायर है ना, पक्की बात है ये आउटलायर है, आउटलायर है ये, है ना, ये आउटलायर है, ये कोई डिफरेंट काम करना चाहता है, जिस तरह की मूवीज के हीरोज करना चाहते हैं, मूवीज के हीरोज आमतौर पे अवाम से हट के कोई काम करना चाहते हैं, जिस तरह आजकल आप लोग वो देख रहे होंगे, कौन सी अर्तुरुल वाला ड्रामा देख रहे होंगे, अर्तुरुल जो है वो हीरो है और वो डिफरेंट काम करता है, जो लोग काम कर रहे होते हैं, जो अवाम काम कर रही होती है उससे मुख्तलिफ काम करता है, इसीलिए तो वो हीरो है, तो ये पॉइंट भी हीरो लगता है मुझे, आउटलायर हीरो है ना, बाकी अवाम से बहुत दूर है, आउटलायर है। इसको डिटेक्ट करने के लिए सॉरी इसकी प्रेजेंस में हमारे पास आउटलायर्स क्यों आ जाते हैं, मैंने लास्ट टाइम बताया था, लास्ट टाइम हमने सी जी पी ए का डेटा टाइप करवाया था क्लर्क से और क्लर्क ने कुछ गलती कर दी थी, है ना, उसने 2.1 को 0.21 टाइप कर दिया था तो आउटलायर बन गया था। आउटलायर किसी गलती से आता है, आउटलायर किसी गलती से आता है, वो मेजरमेंट की गलती हो सकती है, मेजरमेंट को मेजरमेंट लेने में गलती हो सकती है या उसको रिकॉर्ड करने में गलती हो सकती है, इसलिए आउटलायर्स आ जाते हैं, आमतौर पर आउटलायर्स इसलिए आते हैं। अब इन द प्रेजेंस ऑफ आउटलायर कौन सा मेजर अच्छा है, किन दो को हम कंपेयर करना चाह रहे हैं, मीन और मीडियन को, तो मैंने एक टेबल बनाया है उसमें मैंने इन्हीं दोनों को लिखा है और यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर हमारे पास डेटा हो यही 2, 9, 11, 5, 6 और फिर हम क्या करें 2, 9, 11, 5, 6 के अंदर एक 27 भी ऐड करें और फिर हम देखें कि मीडियन क्या है, मीन क्या है और मीडियन क्या है, ठीक है, ये देखने के लिए कि आउटलायर जब हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया, ये आउटलायर है, जब हमने आउटलायर इंट्रोड्यूस करवा दिया तो
तो कौन सा मेजर बेहतर परफॉर्म कर रहा है? हम ये जानना चाहते हैं कि जब हमने आउटलायर इंट्रोड्यूस करवा दिया तो कौन सा मेजर बेहतर परफॉर्म करता है। मीन था 6.6 विदाउट इंट्रोड्यूसिंग बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द आउटलायर, और मीडियन था 6। अब ये देखते हैं कि जब आउटलायर इंट्रोड्यूस करा दिया 27 तो मीन बन गया 10 और मीडियन बन गया 7.5। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है इन दोनों में से कौन सा आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा चेंज हो गया? मीन ज्यादा चेंज हो गया बाय 3.4 और ये हुआ ओनली बाय 1.5, ज्यादा चेंज हो गया। इसका मतलब ये है कि प्रेजेंस ऑफ आउटलायर मीन को ज्यादा अफेक्ट करती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डेटा में आउटलायर्स हैं तो मीन से ज्यादा अच्छा मेजर मीडियन होगा, मीडियन एक ज्यादा अच्छा मेजर होगा उस सूरत में अगर डेटा में आउटलायर्स हैं। आगे चल के हम ये देखेंगे कि मीन एक ज्यादा अच्छा एस्टिमेटर है। मीन के अपने एडवांटेजेस हैं। मीन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये पॉपुलेशन के मीन का सबसे अच्छा एस्टिमेटर है, अनबायस्ड एस्टिमेटर। हम पढ़ेंगे अनबायस्ड एस्टिमेटर और बायस्ड एस्टिमेटर्स, थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगा उसमें। हम पढ़ेंगे कि अनबायस्ड मीन अनबायस्ड एस्टिमेटर है ऑफ द मीन ऑफ द पॉपुलेशन। सैंपल मीन के अपने एडवांटेजेस हैं, सैंपल मीडियन के अपने एडवांटेजेस हैं। ये मैं रेस कर दूं आउटलायर्स, हीरो को रेस कर दूं। अच्छा जी, तो उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मॉड। मॉड बहुत आसान है, मॉड एक बहुत ही आसान मेजर है। मॉड का मतलब होता है द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन अ डेटा, ठीक है जी। अगर आप इसको वैसे डेटा में देखें तो अगर आप कहेंगे जी ये मेरे पास एक सैंपल है, सैंपल एक्स, इस सैंपल का नाम एक्स है और सैंपल एक्स है मेरे पास 3, 5, 3, 9, 3, 0, 3, 5, 3, 3, 6, 3, 3, तो इसका मॉड क्या हुआ? मॉड 3 हुआ, मॉड हुआ 3। ये तो स्ट्रेट वे है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई भी बता। एक्स का मतलब होता है, मैं आपकी बात सुनता हूँ। एक्स का मतलब ये होता है कि एक एरे है, आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। आप अगर आपका कभी आप ऐसा आपका दिल कर रहा हो कि आप डिफरेंट एरे को सबको आप एक्स ही नाम दे रहे हैं तो आप एक काम किया करें, आप किसी किसी एरे को एप्पल बना दिया करें, एप्पल एरे, मतलब कोई भी नाम है ना, कुछ भी दे सकते हैं, एप्पल भी लिख सकते हैं, हो सकता है आप मैंगो एरे बनाना चाहें, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, वाई रख दें, एक्स रख दें, एप्पल रख दें, मैंगो रख दें, बाइसिकल बना दें, बैट बॉल बना दें, ठीक है, और क्या हो सकता है, कार हो सकती है, मोटर बाइक हो सकती है, मोटर बाइक इज इक्वल टू दीज नंबर्स, ऐसे भी हो सकते हैं, कार इज इक्वल टू दीज नंबर्स, तो मतलब कोई भी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल, आपकी मर्जी है। हम एक्स ऐसे जनरली एक कन्वेंशन से बनी एक्स रख देते हैं, नहीं रखना चाहिए इतना एक्स, बुरी बात होती है, बदल बदल के रखने चाहिए। आप देखिए ना, आप में से हर बच्चे का नाम जो है वो अपना अब्दुल्ला हो, ये भी अब्दुल्ला, ये भी अब्दुल्ला, ये भी अब्दुल्ला, और हर बच्चे का नाम सकीना हो, सकीना सकीना सकीना, कितना अजीब लगेगा। फिर हमें करना पड़ेगा सकीना 1 सकीना 2 अब्दुल्ला 1 अब्दुल्ला 2 डिफरेंशिएट करने के। हाँ, बस ये गलती है हमारी, हम बहुत एक्स यूज करते हैं, इतना एक्स नहीं यूज, बुक्स भी बहुत एक्स यूज करती है, पता नहीं बुक्स में क्या मसला है, इतना एक्स नहीं यूज करना चाहिए। आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है। मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि अगर एक से ज्यादा वैल्यूज रिपीट हो रही है, फॉर एग्जांपल जितनी दफा 3 रिपीट हो रहा था उतनी दफा 1, 2, 3 दफा 3 रिपीट हो रहा था, और 3 दफा ही आपके पास 4 भी रिपीट हो जाए, और इनको हम 8 और इसको -1 कर, ठीक हो गए, तो अब इसके मॉड हो गए 3 और 4। नहीं नहीं, दो दफा हो जाए बेशक, दो दफा कोई मसला नहीं। मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग मेजरमेंट,
जब हम कहते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग, इसका मतलब तीन नहीं है, दो भी हो सकता है, एक नहीं हो सकता एक नहीं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन है ये, एक मेजरमेंट ये है, वन एक सैंपल है, उसमें तीन मेजरमेंट है, वन टू। अब कहेंगे जैसे क्या मॉड है, इसका मॉड वन भी है, इसका मॉड टू भी है, इसका मॉड थ्री भी है, तो क्या हो जाएगा, मतलब मीनिंगलेस हो जाएगा मॉड, क्या मतलब हुआ फिर, ये मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस। तो मॉड इसके ऊपर नहीं कंप्यूट हो सकता, कुछ स्मॉल डेटा सेट्स के अंदर दो मॉड्स हो सकते हैं, लेकिन मैंने बुक में, अपने बुक में भी लिखा हुआ, मैंने अपने नोट्स के एंड पे लिखा है कि मॉड इज़ अ गुड मेजर इफ यू ओनली एंड ओनली इफ योर डेटा सेट इज लार्ज। जो लार्जर डेटा सेट्स हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो यूनी मॉडल हो जाते हैं। यूनी मॉडल मतलब अगर आप उनकी फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम बनाएं, मैंने पढ़ाया हुआ है यूनी मॉडल, वो यूनी मॉडल बन जाते हैं। अगर आप पाकिस्तान के समहाउ आपको आपको अमेरिका फंडिंग कर देता है, अमेरिका से आपको फंडिंग मिल जाती है और आपके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि आपके पास एक ज़बरदस्त किस्म की गाड़ी और स्टाफ आपको मिल जाता है और आप जा सकते हैं पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में, हर यूनिवर्सिटी में जाके हर अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट को एक्सेस करके उसकी एज पूछ सकते हैं, ठीक है, उसकी एज पूछ सकते हैं और उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपके पास फंडिंग होगी तो ये काम करेंगे ना, अदरवाइज आप बलोचिस्तान कैसे जाएंगे, ठीक है, केपी की आप कैसे जाएंगे, सिंध की यूनिवर्सिटीज़ में कैसे जाएंगे, पंजाब भी नहीं जा सकते। तो अगर आप ये सारा काम कर सकते हैं, ठीक है, तो जो आप, और फिर आप वापस सपोज कर लें आपको ये फंडिंग मिल गई, आप बड़े खुश हुए, आपने मुझसे एक हफ्ते की छुट्टी भी ले ली, मैंने आपको दे भी दी, और आप ये सारा काम करके वापस आए, और वापस आकर आपने हिस्टोग्राम बनाया, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम बनाया, तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि वो कैसा होगा, यूनी मॉडल, यूनी मॉडल। मोस्ट ऑफ द डेटा सेट्स इस दुनिया में जब आप उनको लार्ज डेटा सेट्स जो कि बहुत सारे, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द डेटा सेट्स जो कि बहुत लार्ज हैं, उनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम कैसी होती है, यूनी मॉडल बन जाती है, यूनी मॉडल बन। छोटे डेटा सेट्स के लिए बाय मॉडल हो सकती है, तो अगर बाय मॉडल है तो मॉड दो हो सकते हैं, मॉड तीन हो सकते हैं, लेकिन वो कोई फिर मॉड एक अच्छा मेजर नहीं है, फिर मीन एक अच्छा मेजर है या मीडियन एक अच्छा मेजर है। तो मॉड एक अच्छा मेजर है फॉर लार्ज डेटा सेट्स जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूनी मॉडल है, यानी ऐसे, ये दूसरी क्लास में एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, ये एक यूनी मॉडल हिस्टोग्राम है, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम है और ये यूनी मॉडल है, कौन बताएगा यूनी मॉडल का क्या मतलब है, सिंगल पीक है इसमें, यूनी मॉडल का मतलब इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल पीक है, बिल्कुल सही है। तो ऐसे डेटा सेट्स के लिए जो कि यूनी मॉडल है उनके लिए मॉड एक बहुत अच्छा मेजर है, और इस बिन को आपको पता होगा, आपको पता है हम इनको क्या कहते थे, याद है, बिन्स बोलते थे, बिन्स, ये बिन नंबर वन, बिन नंबर टू, बिन नंबर थ्री, ठीक है, बिन्स बोलते थे इसको, बोलते थे इसको, बोलते हैं मॉडल क्लास और बिन, मॉडल बिन भी हो सकता है, मॉडल क्लास भी, ये वो मॉडल नहीं है एम ओ डी ई एल मॉडल, ये बी मॉडल है, ये एम ओ डी ए एल है, ठीक है, ये सिंगर्स और मॉडल्स होते हैं, वो वाला मॉडल नहीं है, वो एम ओ डी ई एल होता है। और मॉड क्या होता है, मॉड होगा अपर लिमिट ऑफ मॉडल बिन माइनस लोअर लिमिट ऑफ मॉडल बिन डिवाइडेड बाय, सॉरी, प्लस डिवाइड बाय टू, ये है अपर लिमिट ऑफ मॉडल बिन, ये है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल बिन, ठीक है, सपोज कर लें इसकी वैल्यू थी मे बी थ्री, इसकी वैल्यू थी सिक्स, सपोज कर लें, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही हो, फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल ये थ्री ये सिक्स, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके नाइन डिवाइड बाई टू, 4.5, तो ये इसका 4.5 इसका मॉड होगा। मॉड कंप्यूट करने से सर मैं मॉड एक चाहते हैं ना, यहाँ पर तो हमारे पास, आपको याद होगा जब हमने ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम बनाया था, तो आपको याद होगा कि एक क्लास के अंदर एक ऑब्जर्वेशन नहीं होती थी, एक मेजरमेंट नहीं होती थी, बल्कि उस रेंज में जितनी मेजरमेंट्स होती थी उन सबको हम काउंट कर लेते थे और उस क्लास की हाइट उस काउंट के प्रोपोर्शनल होती थी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर एक मेजरमेंट नहीं है, इस बिन के अंदर एक मेजरमेंट नहीं है, काफ़ी सारी मेजरमेंट्स हैं। तो अगर इसमें काफ़ी सारी मेजरमेंट्स हैं तो मॉड तो एक वैल्यू होगी ना, रेंज तो नहीं है, रेंज ऑफ वैल्यूज तो नहीं है, मॉड तो एक नंबर है। हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं तो हम क्या करें फिर? सबसे अच्छा क्या है? उनका मिडल। सबसे अच्छा, सबसे ऑब्वियस, मतलब आप क्या कहेंगे, ऑब्वियसली इसे क्या होना चाहिए? उनका मिडल होना चाहिए। इतनी सारी नंबर्स का जो कि इस क्लास के अंदर हैं, मॉडल क्लास के अंदर हैं, आपको याद होगा इसमें एक नंबर नहीं था, बहुत सारे नंबर्स थे, बहुत सारे मेजरमेंट्स थे। तो सबसे अच्छी, सबसे ऑब्वियसली, ऑब्वियस क्या है जी? इनका एवरेज, इन सारी मेजरमेंट्स का, इन सारे ऑब्जर्वेशंस का जो इसके अंदर हैं, उनका एवरेज या उनका मिडल, क्योंकि हम मेजर ऑफ सेंटर पढ़ रहे हैं। थर्टी सिक्स मिनट्स हो गए हैं और अभी तक हम कनेक्टेड हैं, कमाल है। आज मैंने डेटा कनेक्शन को, मैंने डेटा कनेक्शन को पहले भी यूज़ किया हुआ है, लेकिन आज मैंने डेटा कनेक्शन को एक डिफरेंट तरीके से यूज़ किया है। मोबाइल फ़ोन के डेटा कनेक्शन को आज मैंने एक डिफरेंट तरीके से यूज़ किया है। कैसे यूज़ किया है? यूएसबी टेदरिंग के थ्रू। यूएसबी टेदरिंग का मतलब यह कि मैंने इंटरनेट को यूएसबी के थ्रू, इस मोबाइल फ़ोन के इंटरनेट को यूएसबी के थ्रू उसके साथ जोड़ दिया। वो लगी है, चल नहीं रही थी, सुबह पीटी सर ने काट दिया या चूहा काट गया नीचे से, कुछ प्रॉब्लम है, पहले उसी को कनेक्ट करने की कोशिश की है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये इस डिवाइस से मैंने लास्ट वर्किंग डे यानी फ्राइडे मैंने क्लास पढ़ाई है, और वो तकरीबन 55 मिनट्स की क्लास थी, 1 आवर की क्लास थी, वो पूरी मैंने यूट्यूब लाइव पर पढ़ाई और ये एक दफ़ा भी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। ये मतलब ये इसकी बहुत अच्छी बात है। तो आज भी मैं यही चाह रहा था कि मैं इसी के साथ कनेक्ट करूँ, लेकिन जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो ये सिग्नल ड्रॉप हो गया, शायद ये इंटरनेट बंद हो गया या लाइन में प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने ये किया, मैंने घर में वीकेंड पे एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर हम मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट इसके साथ वायरलेसली जोड़ते हैं, मतलब वायरलेसली वाईफाई के थ्रू जोड़ते हैं, तो उसमें सिग्नल स्ट्रेंथ ड्रॉप हो जाती है और हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्कनेक्शन होते हैं और ये यूट्यूब लाइव से बिल्कुल नहीं चलता। तो फिर मैंने घर में ये एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने इसे केबल से जोड़ा, तो उससे ये हुआ कि ये यहाँ पर बेहतर स्पीड आ रही थी। हमें असल में यहाँ पर हम ये क्लास पढ़ा रहे हैं ना, हमें बेहतर डाउनलोड स्पीड नहीं चाहिए, हमें बेहतर अपलोड स्पीड चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ बोल रहे हैं हम उसको अपलोड कर रहे हैं। तो अपलोड स्पीड जो इस डेटा कनेक्शन के ऊपर आती है मोबाइल फ़ोन के, वो तकरीबन 6, 7, 10 तक होती है, लेकिन इस वक्त 6 आ रही थी। तो जब मैंने केबल से जोड़ के फिर यहाँ पर स्पीड टेस्ट डॉट नेट से चेक किया तो 6 आ रही थी। इसकी वजह से ही हम अभी तक कनेक्टेड हैं, क्योंकि यूट्यूब लाइव रिक्वायर करता है 3 to 6 की स्पीड। ठीक हो गया। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। असल में हमारा ये कोर्स 2 आवर्स का है एक वीक में, जबकि हमने इसमें काफी कुछ पढ़ना है और बस ये बनाने वालों ने 2 का ही बनाया। 3 का होता तो ज्यादा अच्छा था, 3 घंटों का होता तो ज्यादा अच्छा था, हम ज्यादा पढ़ सकते थे, लेकिन चलें बहरहाल हम कोशिश तो करते हैं पढ़ने की, हम इसको मैक्सिमम यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं इन 2 आवर्स को। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी एक और मेजर है, यानी डेटा के अंदर स्प्रेड कितना है, ये स्प्रेड की मेजरमेंट है। आपके पास एक सैंपल डेटा है, ये भी हम सैंपल और पॉपुलेशन दोनों पर लगाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम हम सैंपल पर लगाते हैं क्योंकि हमारे पास सैंपल्स अवेलेबल होते हैं। सैंपल के लिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सैंपल है एक्स, फिर आप कहेंगे आप एक्स क्यों कह रहे हैं सैंपल को, चलें अभी आखिरी दफा मैं कह फिर नहीं कहूँगा। हाँ वहाँ हम असल में ये सैंपल होता है ना, ये एरे ऑफ नंबर्स, हम उसको कहते हैं क्या कहें, क्या कहें, चलें एक्स कहते हैं। फोर थ्री थ्री जीरो वन, एक और सैंपल है वाई, बोलो आपकी दुआ पूरी होगी, वाई सैंपल भी आ गया 3 99 3 0 1 10 009। इसमें इसका एन भी 7 है, इसका एन भी 7 है, नंबर ऑफ मेजरमेंट्स सैंपल एक्स में भी 7 है, सैंपल वाई में भी 7 है।
लेकिन आपको कोई चीज शायद डिफरेंट नजर आ रही हो इन दोनों में, सफोकेशन हो रही है। पीछे वाली विंडो खोल दें। वैसे अगर मैच तो वैसे इस विंडो का इसके साथ बनता है, इस विंडो और इस दरवाजे का मैच बनता है ना, ताकि एयर यहां से और यहां से चली जाए। अब क्रॉस हो जाएगी ना, चलें। मैं भी कहूँ मुझे सांस क्यों चढ़ रहा है, मैं तो मास्क नहीं लगाया हुआ। अच्छा 3930 10090, इसका एन बी सेवन है, इसका एन बी सेवन है, ठीक है, सही है। लेकिन कोई एक डेटा ऐसा है इसमें स्प्रेड ज़्यादा है, फैलावा ज़्यादा है, ये वाला, इसका स्प्रेड ज़्यादा है, इसका स्प्रेड, स्प्रेड इज लार्ज। जो स्प्रेड है इसको भी तो मेजर करना चाहिए डेटा में, हम तो सिर्फ सेंटर को ही मेजर कर रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि दो डेटा सेट्स ऐसे हों जिनका सेंटर एक ही हो लेकिन उनका स्प्रेड डिफरेंट हो, है ना, ऐसा हो सकता है ना। जैसे आपके पास दो डेटा सेट्स एक्स और वाई ऐसे हो सकते हैं, मैं ये दो डेटा सेट्स बनाता हूँ। एक डेटा सेट है -10, 0 और 10, ठीक है, सही है। एक आपके पास सैंपल ये, अगर आप इसका मीन कंप्यूट करेंगे आंसर आ जाएगा 0। एक आपके पास है -100, 0, +100, आप इसका मीन कंप्यूट करेंगे तो भी सैंपल तो मीन 0। तो ऐसा पॉसिबल है कि मीन मतलब आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ना दे रहा हो, आपको एक और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, है ना। इस केस में मीन अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, मीन एक अच्छा ट्रू मेजर नहीं है इस केस में, इस तरह के डेटा में मीन एक अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो हमें एक और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। तो दो सैंपल्स का मीन ऑलमोस्ट एक जैसा हो सकता है, लेकिन उनका हो सकता है स्प्रेड डिफरेंट हो, यानी वो डिफरेंट फैले हुए हों, एक ज़्यादा फैला हुआ हो एक कम फैला हुआ। तो स्प्रेड भी एक और मेजरमेंट है जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये दो मेजरमेंट्स, मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी एंड मेजरमेंट ऑफ मीन, मेजरमेंट ऑफ सेंटर एंड मेजरमेंट ऑफ, ये प्रॉब्लम है ना, फिर लोग सलाम करने लग जाते हैं, मेजरमेंट ऑफ सेंटर और मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी, ये दो बहुत अच्छे मेजर्स हैं। तो मेजरमेंट्स, एक मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी मैंने अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में, रेंज हो सकता है मैक्स वैल्यू माइनस मीन वैल्यू, है ना। फॉर एग्जांपल ये जो डेटा सेट्स मैंने अभी बनाए थे दो, एक था -10, 0 और 10 और दूसरा सैंपल था -100, 0 और 100। तो इस केस में 10 -10 ये भी 0 हो गई, इस केस में भी रेंज नहीं -(-). सपोज कर लेते हैं ये ऐसे 0, 10, 10, 100, 0, 100, 0, 100, चले ठीक है, अब ठीक है। गलती हो गई 100 -0 जीरो नहीं -10 ठीक हो गया, इसकी रेंज 20 है, 100 -(-100) सही है 200, ठीक हो गया। तो रेंज एक अच्छा मेजर है, मतलब रेंज इस केस में लग रहा है कि एक अच्छा मेजर है, ये हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रेंज हर केस में आपको एक अच्छी मेजरमेंट दे, अच्छी इन्फॉर्मेशन दे। उसकी एक एग्जांपल हमने यहाँ पे सॉल्व की हुई है कि ये हमारे पास एक सैंपल एक्स है और ये हमारे पास एक और सैंपल वाई है। सैंपल एक्स के लिए हमने ये हिस्टोग्राम बनाया हुआ है अपने नोट्स में, ये दो हिस्टोग्राम्स हैं,
और ये नंबर मैक्सिमम ये वाला 8 है, इसमें मैक्सिमम नंबर ये 8 है और ये मिनिमम नंबर 1 है और यहाँ पर भी मिनिमम नंबर 1 है, सही है। तो 1 वाले इतने हैं, 1 वाले इतने बनते हैं, 2 वाले इतने हैं, 3 वाले इतने हैं, 4 वाले इतने, करते करते 8 वाले इतने हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 1 वाले इतने हैं, 2 वाले इतने हैं, करते करते 8 वाले इतने हैं, ठीक हो गया। हिस्टोग्राम से आपको मैक्स वैल्यू देख सकते हैं, हिस्टोग्राम से मैक्स वैल्यू देख सकते हैं क्या होती है, जो लास्ट बिन है राइट मोस्ट बिन वो तो हाईएस्ट वैल्यू वाला होता है ना, तो ये है मैक्स वैल्यू हिस्टोग्राम में। हिस्टोग्राम को देख के किसी डेटा सेट की मैक्स वैल्यू बताई जा सकती है, हिस्टोग्राम डेटा को नहीं देखना, हिस्टोग्राम को देखना है, बताई जा सकती है। हिस्टोग्राम में जो राइट मोस्ट बिन है उसकी जो राइट मोस्ट एंड है वो है लास्ट, वो है मैक्स वैल्यू। राइट मोस्ट बिन का जो राइट मोस्ट एंड है वही मैक्स वैल्यू है ना। और हिस्टोग्राम को देख के मिनिमम वैल्यू भी बताई जा सकती है, लेफ्ट मोस्ट बिन का जो लेफ्ट वाला की लोअर लिमिट लेफ्ट मोस्ट बिन की लेफ्ट लिमिट लोअर लिमिट वो आपकी मिनिमम वैल्यू है। तो इसकी रेंज हो गई, रेंज ऑफ एक्स हो गई 8-1 7, और रेंज ऑफ वाई हो गई 8-1 7। लेकिन काफी डिफरेंट है एक दूसरे से, काफी डिफरेंट है। तो रेंज भी एक अच्छा मेजर नहीं है, रेंज इनफैक्ट एक पुअर मेजर है। एक बहुत ही अच्छा मेजर जो कि आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप गलती से कभी स्टैटिस्टिशियन बन गए तो आप उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही फेमस मेजर, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेरियंस एक बहुत फेमस मेजर है, मेजर ऑफ स्प्रेड है। इस दुनिया में दो मेजर ऑफ स्प्रेड सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, एक मीन और दूसरा वेरियंस। हम आगे चल के देखेंगे इन दो मेजर्स को हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इनफैक्ट पूरी स्टैटिस्टिक्स में सबसे ज्यादा ये दो मेजर इस्तेमाल होते हैं, मीन और वेरियंस। वेरिएंस का मतलब ये है कि आप, वेरिएंस का मतलब ये है कि आपने जो मीन कंप्यूट किया है, कैसे कंप्यूट किया था, किसी डेटा सेट के ऊपर, किसी सैंपल में 1-n एक्स आई ओवर n, तो वेरिएंस है, पता नहीं हमने क्या सिंबल यूज किया इसके लिए, एस स्क्वायर्ड सैंपल के लिए एस स्क्वायर्ड यूज किया। मैं भी बताता हूँ कि पॉपुलेशन के लिए क्या यूज करते हैं, समेशन ओवर ऑल एन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर्ड ओवर एन माइनस वन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले गिवन अ सैंपल, सबसे पहले आपने कंप्यूट करना है, गिवन अ सैंपल सबसे पहले आपने कंप्यूट करना है मीन, जो कि हमने किया हुआ है लास्ट लेक्चर में। उसके बाद आपने हर वैल्यू को मीन में से सब्ट्रैक्ट करना है, और कुछ आंसर्स पॉजिटिव आ जाएंगे, कुछ आंसर्स नेगेटिव आ जाएंगे। जब आप हर वैल्यू को मीन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ आंसर्स पॉजिटिव आएंगे, कुछ नेगेटिव आएंगे, कुछ वैल्यूज मीन से छोटी होंगी, कुछ मीन से बड़ी होंगी। जो मीन से छोटी होंगी उनके आंसर्स नेगेटिव आ जाएंगे, है ना। अगर मीन आपका फॉर एग्जांपल 2 है और एक डेटा के अंदर एक वैल्यू 1 भी है, तो 1-2 हो जाएगा -1। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, हमने उसका ख्याल रखा हुआ है, कैसे, हम स्क्वायर कर देते हैं, बड़े चलाक हैं, हम स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने से क्या होता है, वो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाते हैं। ये स्क्वायर करने का एक वाहिद एडवांटेज नहीं है, ये ओनली एडवांटेज नहीं है, एक और एडवांटेज दिया हम आगे चल के पढ़ेंगे। ये अनबायस्ड एस्टिमेटर बन जाता है, एक अच्छा एस्टिमेटर बन जाता है पॉपुलेशन के वेरियंस को कंप्यूट करने के लिए, ये हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन फिल वक्त आपको ये एडवांटेज बड़ा अच्छा लग रहा होगा, डिवाइडेड बाय एन माइनस वन बड़ा जरूरी है, ठीक है। एन नहीं लिखना इसको, ये एन माइनस वन है, हम सैंपल के लिए कंप्यूट कर रहे हैं। एन माइनस वन एम्पिरिकली इसको प्रूव किया जा सकता है फिलहाल, कि n-1 डिफरेंट सैंपल्स ड्रॉ करके, किसी पॉपुलेशन से डिफरेंट सैंपल्स ड्रॉ करके
एम्पिरिकली ये प्रूव किया जा सकता है कि डिवाइड बाय एन माइनस वन वाला फॉर्मूला ज़्यादा करीब है, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है पॉपुलेशन के मीन का, ज़्यादा अच्छा एस्टिमेटर है। और आगे चल के हम इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, हम इसको मैथमेटिकली इक्वेशंस की फॉर्म में भी प्रूव कर सकते हैं कि डिवाइडेड बाय एन माइनस वन वाला फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा एस्टिमेटर है पॉपुलेशन की वेरियंस का। हम आगे चल के इसको प्रूव करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको एम्पिरिकली प्रूव कर सकते हैं। मैंने इसके लिए क्या किया, फिलहाल हम उस लेवल पर नहीं है कि हम इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकें, तो फिलहाल मैंने क्या किया है, आपने देखी है मेरी, मैंने एक पाइथन की सिमुलेशन बनाई है, मेरे लेक्चर्स में है और उसकी वीडियो भी अवेलेबल है। और मैं क्या करता हूँ, मैं वहाँ पर एक पॉपुलेशन डिफाइन करता हूँ जो कि आपकी मर्जी है, आप 5000 नंबर्स, 10000 नंबर्स, 1,000,000 नंबर्स की एक पॉपुलेशन डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें आप रेंज ऑफ नंबर्स बता देते हैं कि जी इस पॉपुलेशन में रेंज ऑफ नंबर्स होंगे फॉर एग्जांपल फ्रॉम 0 to 9, और ये 10,000 नंबर्स की या 100,000 नंबर्स की एक पॉपुलेशन होगी। फिर वो पाइथन का प्रोग्राम क्या करता है, उसमें से रैंडमली आपसे पूछता है कि आपने सैंपल सिलेक्ट करें, आप कहते हैं जी मैं 10 सैंपल्स एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ इस पॉपुलेशन में से। वो पाइथन का प्रोग्राम क्या करता है, एक आपसे पूछ के कि आपको कितने नंबर्स की पॉपुलेशन चाहिए, जब आप उसको रन करते हैं, कितने लोगों ने वो रन करके देखी है, वो कोड भी मैंने सेंड किया था, छोटा सा कोड है, वो कोड भी मैंने सेंड किया था और उसकी इलस्ट्रेटिव वीडियो लेक्चर भी मैंने अपलोड किया हुआ है यूट्यूब चैनल, कितने लोगों ने वो उसको रन करके देखा, कितने लोगों ने वो वीडियो देखी है पाइथन सिमुलेशन का, एक बंदे ने वीडियो देखी, बाकी ने देखी भी नहीं। अच्छा पाइथन इंस्टॉल कर लें आप लोग, पाइथन आइडियली कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। पाइथन की वेबसाइट से ये सबसे आसान और फ्री वर्जन है पाइथन आइडियली, इस वक्त 3.9 है, अभी अपडेट हुआ है, पहले 3.8 चल रहा था, 3.9 है, आप इसको डाउनलोड कर लें, छोटा सा एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है, ये आपके पास कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा, जो मैंने फाइल्स बताई हैं वो इसका एक पाथ आपको वहाँ से पता लग जाएगा, जब आप न्यू फाइल करेंगे तो आपको पाथ पता लग जाएगा, आप उस पाथ से मेरे फाइल्स रखें रन कर, कुछ भी नहीं करना, ये आपने रन नहीं की हुई लेकिन आपने वीडियो देखी हुई, रन भी कर सकते हैं उसमें, अगर आप मेरी वीडियो देख लें तो मैंने उसमें रन करना भी सिखाया हुआ। जब आप इसको रन करते हैं ना तो होता क्या है, मतलब मैं बता दूँ कि वो सिमुलेशन कर क्या रही है, ये मतलब बुक के अंदर भी कैसे सिमुलेशन बनी हुई है, वो जावा एप्लेट में बनी हुई है, अब जावा एप्लेट को यूज़ नहीं करता, पाइथन सिमुलेशन बनाना आसान है, जावा एप्लेट की सिमुलेशन बनाना मुश्किल है, जावा एप्लेट आउटडेटेड हो गए हैं, लोग उनको यूज़ नहीं करते। पॉपुलेशन से आप सैंपल ड्रॉ कर लेते हैं, आप एक सैंपल ड्रॉ कर लेते हैं ऐसा, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मैं एक 10,000 नंबर्स की एक पॉपुलेशन जनरेट करता हूँ, इसमें नंबर्स हैं फ्रॉम 0 to 9, ठीक है, फ्रॉम 0 to 9, मैं उसमें से एक सैंपल ड्रॉ कर लेता हूँ, उस सैंपल में मेरे पास आ जाता है 3, किस साइज़ का करूँ, 3, 4, 5 का कह लेता हूँ, 3, 5, 4, 0, 1, ठीक है जी, 5 साइज का, फिर एक और सैंपल ड्रॉ कर लेता हूँ, मेरे पास नंबर्स आ जाते हैं 0, 9, 0, 8, 1, फिर एक और सैंपल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो आपसे पूछता है, जब वो प्रोग्राम चलता है तो आपसे पूछता है कि आपको किस साइज़ की पॉपुलेशन चाहिए, आपने कितने सैंपल्स लेने हैं और आपको हर सैंपल का क्या साइज़ चाहिए, कितने सैंपल्स लेने हैं और हर सैंपल का क्या साइज़ चाहिए। आप कहें जी मैं 3 सैंपल्स देना चाहता हूँ, हर सैंपल का साइज़ 5 हो, देना चाहता हूँ हर सैंपल का साइज़ 4 हो, आपकी मर्जी है, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर वो प्रोग्राम क्या करता है, फिर वो प्रोग्राम एक छोटी सी कैलकुलेशन करता है, माइनस 1 नहीं है बल्कि n है।